तीव्रायन सत्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनका मजाक बनाकर रख दिया। आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं और उन पे फर्जी मुकदमे बनाते हैं, उनको दबाव में लाते हैं और उनको अपने साथ मिला के सारा काम आपका खत्म। तो अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे। आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सत्येन जैन को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया। अरे भाई, आप सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ की बात करते हैं, एक भी रुपए मिला किसी के पास? एक रुपए की मनी ट्रेल मिली कहीं पे? आपने जांच एजेंसियों का मजाक बना रखा है। इधर टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। 10 साल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। इस बार लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की इलेक्शन है ये। आज संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं 10 साल में। तो अभी भी सवाल जब आएगा आने वाले 50 साल में कि भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो 13-0 के साथ पंजाब का नाम सबसे पहले आएगा। मान साहब, संविधान का आपने जिक्र कर दिया, संविधान खतरे में कैसे? संविधान की कोई बात मानते हैं? टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी से जब यह पूछा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लागू कर दिया जाएगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। धारा 370 के ऊपर अब उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है, वो मामला अब पूरी तरह से जिसको आप कह आपके सहयोगी हैं वहाँ पर एनसी और महबूबा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब उच्चतम न्यायालय ने 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है और इस देश की एक परंपरा रही है कि जब किसी बात के ऊपर उच्चतम न्यायालय अपना फैसला सुनाता है और अगर संवैधानिक खंडपीठ अपना फैसला सुनाती है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है